Hello everyone, in this video we will study about changing families, chapter number 9. In this chapter we will see how changes take place in human families due to various reasons and events. Let's read this chapter and understand. Have attention here. Here are pictures of some families. These families are of Kiran, Sumi and Dipali. Let us get some information from these pictures. यहाँ पर कई परिवार के pictures दिए गए हैं. ये परिवार किसके हैं? Yes, ये परिवार है किरण, सुमि और दीपाली के. यह पिक्चर्स के आधार पर हम कुछ जानकारी हासिल करेंगे. किरण स्टेल. देर इज अ ग्रेट एक्साइटमेंट इन किरण्स फैमिली. शी हैज अ न्यू बेबी सिस्टर. किरण एंड हर फैमिली आर वेरी हैप्पी. किरण के परिवार में बहुत ही खुशी का माहौल है. उसकी छोटी बहन ने जन्म लिया है. किरण और उसका परिवार बहुत ही खुश है. हियर यू कैन सी द पिक्चर्स, सी द बेबी गर्ल. ओके, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट. हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन किरण्स फैमिली नाउ. अभी किरण की फैमिली में कितने मेंबर्स है वो बताना है. कितने हैं क्या आप बता सकते हो? Yes, there are 6 members in Kiran's family now. पहले 5 थे. अभी बेबी गर्ल का जन्म हुआ है, किरण की छोटी बहन का. तो कितने हो गए? 6 हो गए. ये छोटी बहन, मम्मी, पापा, दादी, ये किरण खुद है और ये अंकल है. तो अभी कुल कितने हुए? 6 members. Let us talk. Kiran has a new baby sister. Which things will be changed in her family now? किरण की छोटी बहन ने जन्म लिया है. अब उसके घर में कौन कौन सी चीजें बदलेंगी, मीन्स कौन कौन से बदलाव आएंगे वो यहाँ पे बताना है. फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल किरण स्पेंड हर डे नाउ. किरण अपना दिन कैसे बिताएगी अभी वो बताना है. किरण विल स्पेंड हर डे विथ हर बेबी सिस्टर टू मेक हर स्माइल. शी विल प्ले विथ द बेबी इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट टू प्ले एंड मेक द बेबी प्ले विथ हर. इन शॉर्ट, शी विल प्ले विथ हर लिटल सिस्टर. वॉट न्यू वर्क विल हर मदर डू नाउ. उसकी मम्मी को अब कौन कौन से नए काम करने होंगे, मीन्स कौन से काम बढ़ेंगे, अब कौन से काम में बदलाव आएंगे. द न्यू वर्क किरण्स मदर विल डू विल बी द टेकिंग केयर ऑफ द बेबी एंड इट्स नीड्स. फॉर एग्जाम्पल, बेबीज बाथिंग, क्लीनिंग, चेंजिंग क्लोथ्स, स्लीपिंग टाइम एंड फीडिंग. ये सभी का ध्यान रखना होगा ना अभी तो. विच टाइप ऑफ चेंजेस विल बी सीन If there is a small baby in the house. यदि घर में छोटा बच्चा हो तो कौन से बदलाव आएंगे, देखने को मिलेंगे, क्या चेंजेस आएंगे ये बताना है यहाँ पे. The elders of the house will have the added responsibility of looking after the baby. A proper place will have to be made in the house for the cradle. For the baby to sleep and rest in. Care has to be taken to ensure that there is no noise when the baby is sleeping. Find out about the youngest child in your neighborhood or in the home of a relative and write answers to the questions given below. What you have to do here? Yes, आपके आसपास और रिलेटिव के घर पर यदि कोई छोटा बच्चा है तो उसके डिटेल्स लेने हैं और ये सारे क्वेश्चंस जो दिए हैं ना उसके आंसर लिखने हैं. लेट्स सी क्वेश्चंस.
Which home has the youngest child in your neighborhood? How will you answer like this? The youngest child in my neighborhood is in Jia's uncle's house. When was the baby born? Baby ka janam kab hua tha? Wo batana hai. The baby was born a few months ago. What is the age of that child? Us bacche ki age kitni hai wo batana hai yahan pe. The baby is 6 months old. How are you related to that child? यहाँ पर आपको बताना है कि उस बेबी के साथ, न्यूबॉर्न बेबी के साथ आपका क्या रिलेशन है, ओके? Where was the baby born? बेबी का बॉर्न कहाँ हुआ था, जन्म कहाँ हुआ था? जनरली सभी बच्चों का जन्म हॉस्पिटल में होता है, राइट? सो द बेबी वॉज बॉर्न इन अ हॉस्पिटल. Does the baby have any teeth? बच्चे को कोई दांत है? अभी छोटा बेबी का तो दांत कहाँ से होंगे, राइट? सो हाउ विल वी आंसर? नो, द बेबी डज नॉट हैव टीथ येट. अभी तो नहीं होगा ना. वॉट डू दे फीड द बेबी विथ? दे फीड मिल्क टू द बेबी, बट नाउ ही और शी इज 6 months old, so they give fruit juice, porridge, cerelac, etc. Stick a photograph of the baby or draw picture. उस बेबी का फोटोग्राफ यहाँ पे चिपकाना है और you can draw the picture also. So what you have to do here? You have to find out the youngest child and complete all these answers and draw or paste a photograph of that baby. Okay. Now we will see Sumi's tale. Sumi's father is in government job. He was promoted and was being transferred to another city. Now we will know about Sumi's family. Sumi ke papa jo hai na, wo government job karte hain. Unhe promotion mila hai. और उसकी वजह से उनकी ट्रांसफ़र भी हुई है, तो ट्रांसफ़र की वजह से उन्हें दूसरे शहर में जाना हुआ है. तो अभी हम सुमी के परिवार के बारे में जानकारी लेंगे. सुमी'स फादर केम फ्रॉम ऑफिस. ही टॉक्ड अबाउट प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र. व्हाट वुड हैपन नाउ? लेट अस फाइंड आउट अबाउट इट. सुमी के पापा ऑफिस से घर आए. उन्होंने घर आकर प्रमोशन और ट्रांसफर की बात की. अब क्या होगा? लेट अस सी. सुमी'स फादर गॉट ट्रांसफर्ड. व्हाट प्रिपरेशन विल दे डू टू गो टू द न्यू प्लेस नाउ? सुमी के पापा की ट्रांसफर हुई है, तो अब नई जगह पे जाने के लिए वे कौन सी तैयारियां करेंगे? Who from Sumi's family will live with his father at the new place? Which school will Sumi go to now? Sumi ke papa ke saath nayi jagah pe kaun kaun jayenge? Abhi Sumi kaun si school mein jayegi? Abhi job ki wajah se transfer hoti hai, to ek jagah se dusri jagah pe to jana padta hai na? To jane ke liye kaun si taiyari karni hai, wahan jaake kya kya karna hai? पूरा सेटअप जो करना है वो तो देखना पड़ता है ना. लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन. सुमी एंड हर मदर विल गो विथ सुमीज फादर टू द न्यू प्लेस. सुमी विल बी एडमिटेड टू अ न्यू स्कूल इन द प्लेस वेयर हर फादर इज ट्रांसफर्ड. अभी स्कूल में, नई स्कूल में जाएगी ना, जहाँ पे उसके पापा की ट्रांसफर हुई है वहीं पर जाएगी वो. Has anybody in your family moved to another village or city because of work? क्या आपके परिवार में किसी को काम के कारण किसी और गांव या शहर जाना हुआ है या जाना पड़ा है? This question. Who got last admission in your school? Why? यहाँ पर आपको बताना है कि आपकी स्कूल में लास्ट में किसने एडमिशन लिया और क्यों लिया. यहाँ पर लास्ट एडमिशन का रीजन बताना है. वी कैन से लाइक दिस,
वन गर्ल हैज गॉट लास्ट एडमिशन इन माई स्कूल बिकॉज हर फादर वॉज ट्रांसफर टू अवर टाउन. नोट डाउन अबाउट द स्टूडेंट्स हु हैव कम फ्रॉम अदर विलेज और सिटी इन योर स्कूल. वॉट वी हैव टू डू हियर, दूसरे विलेज या सिटी से आए हुए स्टूडेंट्स की डिटेल्स बतानी है यहाँ पर. कौन सी डिटेल्स? नंबर, कितने नंबर्स, स्टूडेंट्स का नेम, फ्रॉम वेयर ही और शी हैज़ कम, कहाँ से आए हैं वो बताना है. वैन मीन्स कब आए वो लिखना है. नेम ऑफ हीज और हर ओल्ड प्रीवियस स्कूल, उसकी जो पुरानी स्कूल है, पहले जहाँ पे पढ़ते थे उसका नेम बताना है. व्हाट वॉज गुड अबाउट हीज और हर ओल्ड स्कूल, जहाँ पे वो पहले पढ़ते थे ना उसके बारे में जो अच्छी बात है, कुछ अच्छी थिंग बतानी है यहाँ पे. व्हाट इज न्यू टू हीम और हर इन दिस स्कूल, अब ये स्कूल तो उनके लिए नई है तो यहाँ पे क्या नया है उनके लिए वो बताना है. नाउ दीपाली स्टिल, देर इज अ ग्रेट जॉय इन दीपालीज होम टूडे. All are enjoying. Her elder cousin brother is getting married. You have also seen many weddings. Look at the pictures of wedding and discuss about them. दीपाली के घर में आज खुशी का माहौल है. सब मजे कर रहे हैं, मीन्स एंजॉइंग कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि उसके कजिन भाई की आज शादी है. आपने भी कई शादियाँ देखी होंगी, देखी है ना? क्या आपने देखी है? ओके, यहाँ पर शादियों के कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, क्या आप देख सकते हो? यस, देखिए यहाँ पे शादी के पिक्चर दिए गए हैं. ओके, ये सभी पिक्चर्स में क्या दिखाया गया है वो हमें बताना है, देखना है. ओके, कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस पिक्चर? यस, दिस इमेज शोज द ब्राइड एंड ग्रूम गेटिंग मैरिड. ओके, व्हाट पिक्चर इज दिस? व्हाट इट इंडिकेट्स? यस, शादी हो रही है, फेरे ले रहे हैं, राइट? दिस इमेज इज शोज द ब्राइड एंड ग्रूम गोइंग अराउंड द सेक्रेट फायर. दे विल टेक 7 राउंड्स, मतलब कि वो फेरे ले रहे हैं, शादी में जो फेरे लेते हैं ना वही. व्हाट पिक्चर इज दिस? इट शोज द ब्राइड एंड ग्रूम हैविंग द फेस्टिव स्वीट्स. फैमिली मेम्बर्स मिलके वो स्वीट यहाँ पे रखी हुई है, वो खिला रहे हैं, राइट? एंड व्हाट पिक्चर इज दिस? मेहंदी रसम चल रही है. इट शोज द ब्राइड्स हैंड बीइंग डेकोरेटेड विथ हीना, मीन्स कि मेहंदी लगा रहे हैं. व्हाट पिक्चर इज दिस? डोली लेके जा रहे हैं. इट शोज द डिपार्चर ऑफ द ब्राइड. थिंक एंड टेल, दीपालीज कजिन ब्रदर गॉट मैरिड. व्हाट चेंजेस विल बी देयर इन दीपालीज फैमिली नाउ? दीपाली के कजिन भाई की शादी हुई, अब दीपाली के परिवार में क्या बदलाव आएंगे? अ न्यू मेंबर हैज बीन एडेड टू हर हाउस. दीपाली हैज़ अ न्यू सिस्टर इन लॉ. नाउ शी विल हेल्प हर इन मैनी ऑफ हाउस होल्ड वर्क्स एंड हर आंट विल गेट सम रिलीफ फ्रॉम वर्क. वेन डॉटर गेट्स मैरिड, वॉट चेंजेस विल बी देयर इन हर फैमिली. बेटी या लड़की जब ससुराल जाती है शादी के बाद, तो उसके परिवार में क्या बदलाव आते हैं? When a daughter gets married and goes to her new home, means in-law's place, all the people of her father's home miss her a lot. एक member तो कम हो जाता है ना फिर. Her parents may feel lonely. They will miss her forever. Whatever the work she used to do, now someone else or the father himself will have to do whatever work the daughter used to do. सब काम जो वो करती है वो अभी खुद करने पड़ते हैं. Means in short, सब भी family members उसको बहुत miss करते हैं.
टॉक टू योर मदर एंड आंटीज एंड आस्क, आपकी मम्मी या आंटी से बात कीजिए और पूछिए। क्या पूछना है? वेयर डिड दे लिव बिफोर मैरिज, शादी से पहले वो कहाँ रहते थे? दे लिव इन देयर पेरेंट्स हाउस बिफोर दे गॉट मैरिड। हु वर द मेंबर्स इन देयर फैमिलीज एट दैट टाइम, उस समय उनके परिवार में कौन कौन थे, मीन्स कौन कौन सभ्य थे वो बताना है। दिस आंसर यू हैव टू राइट योर सेल्फ, आस्क योर मदर एंड आंट एंड राइट। ओके, हैज एनीबडी इन योर फैमिली बीन मैरिड रिसेंटली, आपके परिवार में अभी अभी या लास्ट में किसकी शादी हुई ये बताना है आपको। वॉट काइंड ऑफ स्पेशल फूड इज कुक्ड एट वेडिंग सेरेमनी, यहाँ पर वेडिंग सेरेमनी का स्पेशल फूड मतलब कि जो खाने में होता है ना वो क्या था वो बताना है आपको। दीज फोर क्वेश्चन आंसर्स यू हैव टू राइट योर सेल्फ, आस्क योर मदर एंड आंटी एंड राइट। टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड राइट ऑल अबाउट वॉट हैपन ड्यूरिंग वेडिंग इन देयर फैमिलीज, यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपके दोस्त के परिवार में जब शादी होती है ना तब क्या क्या होता है वो उसके साथ बात करके ये जो क्वेश्चन आंसर्स है वो लिखने हैं। वॉट स्पेशल क्लोथ्स डू द ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम वेयर, दुल्हा दुल्हन जब शादी में कपड़े जो पहनते हैं ना वो यहाँ पे बताना है आपको कि वो क्या कपड़े पहनते हैं दुल्हा दुल्हन। हमारे यहाँ तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, मतलब कि सब रिलीजन के हिसाब से दुल्हा दुल्हन कपड़े पहनते हैं, तो आप अपने हिसाब से ये आंसर लिखेंगे। ओके, व्हाट काइंड्स ऑफ सॉन्ग्स एंड डांसेस आर परफॉर्म एट वेडिंग्स, शादी के सॉन्ग्स और डांसेस के बारे में यहाँ पर बताना है। ओके, व्हाट डिड यू सी एट द वेडिंग दैट यू हैड अटेंडेड, मतलब कि आप जिस शादी में गए थे उसमें क्या क्या हुआ था वो सब यहाँ पे बताना है, मीन्स जो आपने देखा वो सब। वी सॉ चेंजेस इन द फैमिलीज ऑफ किरण सुमी एंड दीपाली फॉर डिफरेंट रीजन्स, राइट डाउन द रीजन्स फॉर दीज चेंजेस। फर्स्ट पॉइंट इन किरण्स फैमिली, वी हैव टू डू हियर, किरण सुमी एंड दीपाली की फैमिली में कोई ना कोई रीजन की वजह से चेंजेस आए, राइट। अभी वो रीजंस क्या थे वो बताना है, पहले हम देखेंगे किरण्स फैमिली, किरण की फैमिली में बदलाव क्यों आया था, बिकॉज ऑफ द बर्थ ऑफ हर बेबी सिस्टर। इन सुमी'स फैमिली, बिकॉज ऑफ हर फादर्स प्रमोशन एंड ट्रांसफर। इन दीपाली'स फैमिली, हर अंकल सन गेटिंग मैरिड, मीन्स हर कजिन ब्रदर्स मैरिज। कैन देयर बी एनी अदर रीजंस फॉर चेंजेस इन फैमिलीज, परिवार में चेंजेस के और कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं वो बताना है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, वेन अ फैमिली मेम्बर हैज़ टू लीव द फैमिली फॉर अ जॉब, वेन अ रिस्पॉन्सिबल मेम्बर ऑफ द फैमिली पासिस अवे सडनली, और वेन द फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव्स एंड द फैमिली गोज टू लीव इन अ बिग लग्जूरियस हाउस, ऐसे तो कई कारण हो सकते हैं। टॉक टू थ्री ओल्ड पीपल, वन फ्रॉम योर फैमिली, वन फ्रॉम योर फ्रेंड्स फैमिली एंड वन फ्रॉम अ फैमिली इन योर नेबरहुड, आस्क देम दीज क्वेश्चंस एंड कंप्लीट द टेबल, टेबल इज गिवन हियर, व्हाट यू हैव टू डू। यहाँ पे आपको तीन बुजुर्ग से बड़े से बात करनी है, एक आपके फैमिली से, एक आपके फ्रेंड के फैमिली से और एक आपके नेबर के फैमिली से। क्या करना है? सी, आस्क द क्वेश्चन, सिंस हाउ मेनी ईयर्स हैज द फैमिली बीन स्टेइंग हियर, फैमिली यहाँ पे कितने सालों से रहती है वो बताना है यहाँ पे।
सेकेंड क्वेश्चन, वेयर डिड द फैमिली लिव बिफोर कमिंग हियर? यहाँ आने से पहले फैमिली कहाँ रहती थी? हाउ मैनी मेम्बर्स आर देयर इन द फैमिली टूडे? आज फैमिली में कितने मेम्बर्स है वो बताना है यहाँ पे. हाउ मैनी मेम्बर्स वर देयर इन द फैमिली 10 years अगो? 10 साल पहले फैमिली में कितने मेम्बर्स है वो बताना है, कितने थे वो बताना है. ओके, वॉट वर द रीजन्स फॉर द चेंजेस इन फैमिली इन द लास्ट 10 years? पिछले 10 साल में फैमिली चेंजेस के क्या रीजन्स थे, जो रीजन्स थे वो यहाँ पे बताना है. हाउ डू यू फील अबाउट ऑल दीज चेंजेस? ये सारे बदलाव के बारे में आपकी क्या फीलिंग्स है, आपकी क्या राय है, जो फील करते हैं वो बताना है यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन से दैट आई एम एन्जॉइंग द न्यू सिटी विद माई फैमिली. यू हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू योर फीलिंग्स. माय फैमिली यस्टरडे टुडे टुमारो. मेरा परिवार कल, आज और कल. ऑल फैमिलीज चेंज इन सम वे और द अदर फॉर डिफरेंट रीजंस. हैज योर फैमिली चेंज टू? सभी परिवार में किसी एक या अलग अलग रीजन से बदलाव आते हैं. आपके परिवार में क्या चेंज आया है? मीन्स कि आपके परिवार में भी कोई चेंज आया है? व्हेन योर ग्रैंड पेरेंट्स वर चिल्ड्रन लाइक यू, वॉज योर फैमिली जस्ट लाइक एज इट इज टूडे? डिस्कस विद देम. जब आपके दादा दादी आपकी तरह छोटे बच्चे थे, तब आपका परिवार अब है वैसा ही तब भी था? ये आपको किसको पूछना पड़ेगा? योर ग्रैंड पेरेंट्स से. डू यू रिमेंबर द पिक्चर ऑफ सीतास फैमिली ट्री विच यू स्टडीड इन क्लास 3? यू हैड ऑल्सो ड्रॉन योर फैमिली ट्री. लेट अस ड्रॉ फैमिली ट्री इन द नोटबुक लाइक लास्ट ईयर. यहाँ पे हम ये फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट ईयर हमने ये बुक नहीं पढ़ी थी, राइट? सो वी विल फॉलो द नेक्स्ट पॉइंट. दिस क्वेश्चन, आस्क योर ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर हाउ मैनी मेम्बर्स वर देयर इन देयर फैमिली व्हेन दे वर ऑफ योर एज. ड्रॉ अ फैमिली ट्री ऑफ देयर फैमिली इन योर नोटबुक व्हेन दे वर यंग. यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके दादा या दादी से पूछना है कि जब वे आपकी उम्र के थे तब उनके परिवार में कितने मेंबर्स थे. ओके, और फिर उस टाइम के उनके परिवार का फैमिली ट्री आपको अपनी नोटबुक में बनाना है. ओके, कैन यू सी योरसेल्फ, योर ब्रदर और योर सिस्टर, योर मदर और योर फादर एनीवेयर इन दिस फैमिली ट्री? क्या आप खुद को, आपके भाई या बहन, आपकी मम्मी या पापा को यह फैमिली ट्री में देख सकते हैं? इसकी आपने अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स का फैमिली ट्री बनाया ना, उसमें खुद, आपका भाई, बहन, मदर, फादर, किसी को भी आप वहाँ पर देख सकते हो, कोई भी नजर आता है वहाँ पे वो बताना है. ओके, नाउ ड्रॉ अ फैमिली ट्री ऑफ योर पेरेंट्स फैमिली इन योर नोटबुक. हियर यू हैव टू मेक योर प्रेजेंट फैमिली ट्री. ओके, आपको अपना खुद का फैमिली ट्री अपनी नोटबुक में बनाना है, प्रेजेंट फैमिली. इस प्रेजेंट फैमिली ट्री में आपके फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं ना, उनको सभी को मेंशन करना है. आपको अच्छा वाला फैमिली ट्री बनाना है आपको. हु आर द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली टुडे? वेयर आर योर ग्रैंड पेरेंट्स? Where are you in this family tree? आपके परिवार में अभी कितने members हैं, कौन कौन से members हैं वो बताना है. आपके grandparents कहाँ पे हैं वो भी बताना है. और आप खुद कहाँ पे हैं, Where
आर यू इन दिस फैमिली ट्री, आप खुद का है वो भी आपको मेंशन करना है. लेट अस टॉक इन व्हाट वे इज द फैमिली ट्री ऑफ योर ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर इन देयर चाइल्डहुड इज डिफरेंट फ्रॉम योर टुडेज फैमिली ट्री. मतलब आपके दादा या दादी के बचपन का फैमिली ट्री है वो आपके अभी के फैमिली ट्री से कैसे डिफरेंट है, कैसे अलग है. गोइंग बैक टू स्कूल, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू वांट टू बिकम वंस यू कंप्लीट योर स्टडीज. आप पढ़ लिख के क्या बनना चाहते हैं, आप जो भी बनना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर व्हेन आई कंप्लीट माई स्टडीज. आपको जो बनना है वो आप यहाँ पे बताएंगे. हु इज द मोस्ट एजुकेटेड इन योर होम. यहाँ पर आपको बताना है कि आपके घर में, आपके फैमिली में सबसे ज्यादा पढ़ाई किसने की है. हु इज द लीस्ट एजुकेटेड इन योर होम. यहाँ पर बताना है कि आपके घर में सबसे कम पढ़ाई किसने की है. दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड द एज फॉर द मैरिज. बिफोर दैट एज इफ एनीबडी गेट्स मैरिड दैट इज एन ऑफेंस बिकॉज इट इज कॉल्ड चाइल्ड मैरिज. According to the law of child marriage, the minimum age for marriage for girls is 18 years and for boys is 21 years. अगर इससे पहले शादी होती है तो वो ऑफेंस बनता है, गुना बनता है. तो शादी के लिए सही समय एज क्या है, गर्ल्स के लिए 18 years एंड बॉयज के लिए 21 years. मीन्स बाल विवाह एक गुना है. ओके, find out and write, are there any such children in your neighborhood who had to drop out of school, why. क्या आपके आसपास ऐसे बच्चे हैं जिन्हें पढ़ाई या स्कूल छोड़नी पड़ी हो, क्यों. what are they doing these days. अभी वे क्या कर रहे हैं जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है, उनके बारे में बताना है. हैज एनीबडी इन योर फैमिली गॉट मैरिड रिसेंटली, हु. क्या आपके परिवार में अभी अभी, मतलब कि लास्ट में जिसकी शादी हुई, ऐसा कोई है तो कौन, वो बताना है. व्हाट वॉज द एज ऑफ द ब्राइड एंड द ग्रूम. दुल्हा दुल्हन की एज क्या थी वो यहाँ पे बताना है. What kind of dresses they wore? उन्होंने किस टाइप के कपड़े पहने थे वो यहाँ पे बताना है. Bride and groom, दुल्हन and दुल्हा, उन्होंने जो कपड़े पहने थे ना वो बताना है. So these answers you have to write on your own. Take help of your parents. You have to write according to your view. In changing families, we have understood the changes taking place in a human family due to birth, marriage, and transfers. So, dear children, you must remember that changes are part of a life. Okay, must remember. Thank you and have a nice day. Stay home, stay safe.